नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हाल ही में पालतू जानवर खासकर कुत्ते द्वारा इंसान पर हमला किए जाने की कई घटनाएं सामने आ रही है और ये घटनाएं बिल्डिंग के प्रेमाइसेस लिफ्ट में ज्यादा देखी जा रही है। एक घटना अभी हाल ही में नोएडा में हुई थी, एक गाजियाबाद में हुई थी और अभी जो घटना का वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये घटना मुंबई से सटे पनवेल की है, जहां पनवेल अंतर्गत एक नरेंद्र नाम का जोमेटो कंपनी का डिलीवरी बॉय जब अपना ऑर्डर डिलीवर करके उतर रहा था, तब लिफ्ट से बाहर निकलने के समय इस जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को देखकर डर गया, थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तभी कुत्ते ने नरेंद्र के ऊपर हमला कर दिया और इतना ही नहीं, नरेंद्र के प्राइवेट पार्ट पर डायरेक्ट सीधा हमला किया, जिसके बाद नरेंद्र बाहर गार्डन की तरफ, पार्किंग की तरफ भागा और अपने आप को बचाया। इस कुत्ते के हमले में नरेंद्र जख्मी हो गया और इसका इलाज पनवेल के अस्पताल में चल रहा है। यह घटना 28 अगस्त की बताई गई है। हालांकि इस नरेंद्र के इलाज का खर्चा कुत्ते का मालिक वहन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसी घटनाएं काफी बढ़ चुकी है जब इंसानी सोसाइटी में पालतू जानवर द्वारा इंसान के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इन सब चीजों का ख्याल रख के अपने आप को सेफ करना चाहिए। जानवर फिर भी जानवर है, कभी किसी पर हमला कर सकता है, तो कहीं भी आने जाने के समय ऐसे कोई अगर पालतू जानवर दिखाई दे तो जरूर उनसे बच के रहे। बात करें आवारा कुत्तों की, तो आवारा कुत्तों की तो तकलीफें और भी ज्यादा है। आवारा कुत्ते आज के समय में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं रोड के ऊपर कि कई क्षेत्रों में आना जाना दुश्वार हो चुका है, तो इसको लेकर भी प्रशासन को कुछ ना कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।